गजामुख सुरन की कहानी। एक बार गजामुख सुरन नाम का एक राक्षस था। उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए तपस्या की और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए। अब वे बहुत ताकतवर और घमंडी बन चुका था। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत संकट में डाल दिया था। उसने देवताओं को अपने दाएं हाथ से बायां कान और बाएं हाथ से दायां कान पकड़कर बैठने और उठने के लिए मजबूर किया। उसने उन्हें यह क्रिया 1008 बार सुबह, 1008 बार दोपहर और 1008 बार शाम को करने के लिए मजबूर किया। सब देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से उस राक्षस से बचाने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने सब कुछ सुना और विनायगा को गजामुख सुरन से निपटने के लिए भेजा। वह कई हथियारों के साथ राक्षस के पास गए। उन्होंने अपने तीर कमान, तलवारें, कुल्हाड़ियां आदि सब साथ ले लिए। लेकिन उस राक्षस को वरदान था कि उसे किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता। इसलिए विनायगा का कोई भी शस्त्र काम नहीं आया। अब उस राक्षस को मारने के लिए उन्होंने अपना दायां दांत तोड़ा और राक्षस को उससे मारने की कोशिश की। गजामुख सुरन ने राक्षस से एक छोटे चूहे का रूप धारण कर लिया। विनायगा ने अपनी ताकत से उसका घमंड चूर चूर कर दिया। वे उस चूहे पर बैठ गए। राक्षस हार गया और उसने विनायगा के आगे घुटने टेक दिए। विनायगा ने चूहे को अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान विनायगा को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। वह शक्ति का कभी समाप्त ना होने वाला स्रोत है। उन्होंने गजामुख सुरन के घमंड और बल को झिंझोर कर रख दिया। उसने चूहे का रूप धारण कर लिया और भगवान विनायगा की सवारी बन गया। इस तरह हम थियोपुकरा नाम से भगवान विनायगा को प्रसन्न कर सकते हैं।